नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी के पॉपुलेशन कंट्रोल वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और अब इसी कड़ी में संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इंसान से यहाँ जाति तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। लेकिन इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय अगर गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे तो बहरहाल उसका माकूल इंतज़ाम करे तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। फरीदाबाद में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 15, 16, 17 तारीख को सूरजकुंड में होने वाले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सूरजकुंड में होने वाले इस शिविर में 350 लोग शामिल होंगे जिसमें हरियाणा के सभी सांसद, सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। गोंडा के उमरिया ग्राम पंचायत में महिलाओं ने एक वर्ष से पोषाहार और अन्य पोषक सामग्री न मिलने का आरोप लगाया है और महिलाओं का कहना है कि इस मामले में कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब महिलाओं, बच्चों, लाभार्थियों ने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। जी, बच्चों को आंगनबाड़ी की तरफ से कोई पोषण नहीं मिला और गर्भवती महिलाओं को भी। जी, इसके लिए आपने किसी को शिकायत किया है? मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री आज आरएस पे किया गया है। अभी तक कोई जांच हुई या नहीं? अभी नहीं। हमारे आंगनबाड़ी से कार्यकर्ता से कोई पोषण आहार नहीं मिलता है बच्चों को। जी, इसीलिए एक साल हो गया, इसलिए हमने कार्यवाही शुरू की लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुआ। किसी को प्रार्थना पत्र आपने इसके संबंध में दिया? हाँ, दिया है। मुख्यमंत्री को मंत्रालय में पोषण नहीं मिल रहा बच्चों को, एक साल से ज्यादा हो गया इसीलिए। तो आपने किसी अधिकारी को इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ सर, दिया है जी। तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई जी। बच्चों को पास पाल नहीं मिल रहा है और कोई सुविधा नहीं बच्चों के लिए। इसके द्वारा? आंगनबाड़ी के द्वारा जी। इसके संबंध में आपने किसी अधिकारी को सूचना दिया है? जी, मुख्यमंत्री आदर्श नेता दस क्षेत्र फोन किया आपने? जी, फोन हुआ किए थे। आंगनबाड़ी का राशन वासन किसी से इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? ये आंगनबाड़ी का। बाल विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है गोंडा से। ये खबर सामने आ रही है जहां एक साल से पोषाहार न मिलने का आरोप लगा रही हैं ये ग्रामीण महिलाएं। आपने सुना किस तरह से इन महिलाओं ने बताया कि काफी लंबे समय से पोषण आहार नहीं मिला है। बाल विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का ये मामला गोंडा से सामने आया है। बाल विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिल रहा है। गाजीपुर में जमानिया विधानसभा क्षेत्र में सांसद अफजाल अंसारी ने तीन सड़कों का उद्घाटन किया जिसमें जमानिया देवाईथा माइनर मार्ग से रोहण मार्ग और दूसरा दिलदार नगर देवैठा से तियरी मार्ग, जबकि तीसरी सड़क भदोहा देवल से गोटसरा मार्ग तक पारित की गई है। गाजीपुर जनपद में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत 100 किलोमीटर सड़क भी 5 सालों में नहीं बनी थी, जो विकास पुरुष थे, श्रीमान विकास पुरुष के कार्यकाल 5 बरस में 100 किलोमीटर नहीं बनी थी। मेरी 3 साल में 250 किलोमीटर, बाकी रिकॉर्ड पर जाइएगा तो ये वहां पता चलेगा। हवा की बात हम नहीं करना चाहते। कानपुर के हैलेट अस्पताल में बच्चों के लिए प्रदेश का पहला
समलबाई क्लिनिक खोला गया है। डॉक्टर का कहना है कि ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें बच्चों में स्पष्ट लक्षण जाहिर ना होने से इलाज में देरी हो जाती है जिस कारण उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वहीं अब हैलेट अस्पताल में क्लिनिक के खुलने से कानपुर के अस्पताल और आसपास के कई जिलों के लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्राइम टीवी से बात करते हुए डॉक्टर शालिनी मोहन ने बताया कि नया सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक प्रत्येक बुधवार को चलेगा। कि ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आंखों में अंधता हो जाती है अगर प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए तो। और ये अधिकांशतः बड़ों में पाया जाता है, किंतु अगर बच्चों में ग्लॉकोमा की समस्या हो जाए तो और भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि बच्चों की आंखों में ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसके बारे में जागरूकता भी कम है। और इसीलिए ये एक स्पेशल प्रकार का क्लिनिक स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें कि बच्चों का ग्लॉकोमा या पीडियाट्रिक ग्लॉकोमा का ट्रीटमेंट किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है जहां डासना में दबंगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दबंगों ने एक दुकान में बैठे व्यक्ति पर अचानक से धावा बोल दिया और लाठी डंडे और लोहे की रॉड से युवक को गंभीर रूप से पीटकर घायल कर दिया जिसे एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं अपनी दुकान पर बैठा था, मुझे भी 10-12 बदमाश आए और उन्होंने तोड़फोड़ करी, लूटपाट करी और मारपीट करी मेरे साथ। उनके हाथों में लोहे की राड थी, डंडे थे और हथियार थे उनके हाथ में, जिन्होंने मुझे बहुत मारा। और अब से एक साल पहले भी ऐसी घटना करी, मेरे घर में घुसे ने बदतमीजी करी, मुझे मारा और मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करी। बदायूं में दातागंज की गांव गढ़ा, सिरसा, गौटिया और थाना अलापुर के कंचनपुर में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने इस दौरान 190 लीटर कच्ची शराब के साथ दो महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पर पुलिस ने अवैध शराब की कई भट्टियों को भी नष्ट किया है। शाजापुर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने को अब सामाजिक संगठन भी आगे आने लगे हैं। वहीं इसी क्रम में बुधवार को सामाजिक संस्था समर्पण के बैनर तले नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने अपनी धर्म पत्नी नेहा शर्मा और संस्था की सदस्यों के साथ गर्रा पुलिस पर लगने वाली सब्जी और फल मंडी में कपड़े और कागज के थैले का वितरण कर दुकानदारों को प्लास्टिक के नुकसान को लेकर जागरूक किया और कागज या कपड़े के थैले का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने कहा कि पेपर या कपड़े के बैग हानिकारक प्लास्टिक की थैलियों के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। तो वहीं नगर आयुक्त ने समर्पण संस्था की टीम के द्वारा की गई उपरोक्त पहल की सराहना की है। संस्था की संरक्षक डॉक्टर संगीता मोहन ने कहा कि प्लास्टिक को विघटित होने में हजारों साल लगते हैं और ये जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। 12 वर्षों से सामाजिक सेवा में सर्वोपरि रही है और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने, जैसा कि अभी हमारे जो नगर आयुक्त हैं श्री शर्मा जी, उन्होंने भी बताया कि यूपी में लगभग पिछले 2 सालों से पॉलीथीन बैन है, फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन का भी सहयोग चाहिए होता है लोगों के लिए। और हम लोगों ने भी थोड़ी सी छोटी सी पहल करी कि हम लोगों ने अपने घरों में पुरानी बेडशीट्स और कपड़े सब एकत्रित किए और हमारी फ्रेंड है रुचिता गुप्ता, उनके बुटीक पे हम लोगों ने ये सब थैले बनवाए। पूरा प्रदेश प्लास्टिक मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और 1 जुलाई से 100% पॉलीथीन बैन है। इसके पूर्व में भी यूपी में बैन हुआ है, तो हम लोगों का ये प्रयास है कि कहीं भी पॉलीथीन कैरी बैग का अब उपयोग प्रचलन में न रहे। हम नगर निगम की तरफ से आभारी हैं समर्पण संस्था, जो यहाँ की बहुत ही सामाजिक कार्यों में आप लोगों ने बड़ा अच्छा रुचि लिया है, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में आप लोगों का योगदान है। बिजनौर में हुए मेले में हास्य कलाकारों के टिकटों को लेने के चक्कर में 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते कई दबंग लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे और मारपीट करने पर उतारू हो गए। और इतना ही नहीं, मेले में मौजूद एक दूसरे पर कुर्सियों को फेंकने भी लगे। भीड़ ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को
और होमगार्ड से भी बदसलूकी की, जिसे लेकर पुलिस ने 8 दबंगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल वायरल हुई पिटाई की लाइव फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करके जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। शोहरा में जो नुमाइश चल रही है उसमें रात में एक कोई हास्य कलाकार का प्रोग्राम था तथा सर्कस के जो कार्यक्रम थे उसके आसपास टिकटों को लेकर भीड़ थी, जिसमें दो गुट आपस में वहाँ भिड़ गए थे। वहाँ यद्यपि पुलिस भी तैनात थी, हमारे पुलिसकर्मी और होमगार्ड कार्मिक भी थे, उनके साथ भी कुछ अभद्रता करने का प्रयास किया गया था। इस सूचना पर तत्काल थाना शोहरा की पुलिस मौके पर पहुँची थी, उस परिस्थिति को कंट्रोल में किया तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा 8 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया था। देवरिया में लार पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी वाहन से 1.5 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई जिले में थाना अतरौली के महुआ डांडा गांव में चक रोड विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में चक रोड की नाप चल रही थी, इसी दौरान दूसरा पक्ष इसका विरोध करने लगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द निपटारे का आश्वासन दिया है। थाना अतरौली का ग्राम महुआ डांडा का वीडियो है, जिसमें दो पक्षों में चक्रोड को बनाने के लेकर मारपीट हो रही है। थानाध्यक्ष को निश्चित किया गया है कि वीडियो का पता लगाएं और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश में सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पैदल गश्त की। इस दौरान चौराहे, मार्केट, भीड़भाड़ वाली जगहों को मिश्रित आबादी वाले इलाकों का जायजा लेते हुए संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की वस्तुएं चेकिंग की। इसके साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया गया। खबर गोंडा से है, जहां स्थानीय तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकास खंड हलधरमऊ के प्रधान संघ निर्वाचन राकेश मिश्रा को सर्वसम्मति से निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। हलधरमऊ क्षेत्र के गोंडवा ग्राम पंचायत से निर्वाचित प्रधान राकेश मिश्र का व्यवहार कुशल, छवि के लोगों में से एक है। इसके पूर्व भी इनके घर में प्रधान पद पर कब्जा रहा है। राकेश मिश्रा के प्रधान संघ के अध्यक्ष बनने पर बधाइयों का तांता लग गया है। हरदोई जिले के कासिमपुर क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि सरेहरी में दो घरों में चोरी की घटना को चोर पहले ही अंजाम दे चुके हैं। बता दें कि सरेहरी के निवासी संतोष कुमार ने थाने में उसी के गांव का रिंकू के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना तो अब तक हुई चोरी का खुलासा भी किया गया है। IPL कंपनी में काम करते हैं, लेबरी की, वहाँ हम ड्यूटी पे गए हुए थे। घर में हमारी जनानी और हमारे दो बच्चे छोटे छोटे थे। रात में एक गांव का ही यादव विराजे का रिंकू नाम का लड़का मतलब दूसरे घर से कूद के आया घर में। उनने घर में खोदा वोदा, पूरे गांव वालों ने देख लिया, शोर शराबा किया, फिर पुलिस आ गई, पुलिस बुला ली गई, पुलिस खुद उसको अपने हाथ से पकड़ के ले गई। मथुरा के गोवर्धन में साधु संतों ने ढोल मजीरे के साथ अपने गुरु संतपाल सनातन गोस्वामी के शिष्य ने मुड़िया शोभा यात्रा निकाली। मुड़िया पूर्णिमा मेले के समापन पर मुड़िया संत अपने गुरु की याद में शोभा यात्रा निकालकर पुरानी परंपरा का निर्वहन कर गुरु चरणों का स्मरण किया। श्री राधा श्याम मंदिर के महंत रामकृष्ण दास महाराज के सानिध्य में ढोल मजीरे के साथ नाचते गाते संकीर्तन भी किया गया। आपको बता दें कि राधा श्याम मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई।
राधा श्याम सुंदर जी की कृपा, गिरिराज महाराज जी की कृपा से हर साल की भांति इस साल भी मुड़िया शोभा यात्रा निकाले गए। अब जो है देश विदेश से बहुत भक्त लोग मुड़िया शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत हर्ष आनंद उल्लास के साथ में भक्त लोग मुड़िया शोभा यात्रा में शामिल होकर के अपना जीवन सफल मना रहे और कृतार्थ है समस्त भक्त लोगों की शुभकामना देते हुए। सुल्तानपुर में गोलाघाट वेदांती आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक विनोद सिंह ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक पीठाधीश्वर महंत अध्यक्ष बालू स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य महाराज मौजूद रहे। आपको बताते चले कि अलौकिक प्रस्तावित मंदिर की गर्भगृह से 51 फीट ऊंचाई होगी। आज के दिन से संकल्प ले चुके हैं कि इस आश्रम में इस जिले का ऐसा मंदिर भव्य बने, ऐसा भव्य मंदिर बने, वेदांति जी महाराज आश्रम पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से जिले की पहचान हो, मैं ऐसा मंदिर बनाना चाह रहा हूँ। महाराज का आदेश था, मैं आ गया हूँ, जो आगे आदेश होगा मैं करूँगा। अध्यात्म मेरी रुचि है, मेरी आस्था है, ईश्वर मेरी आस्था है, महाराज जैसे कहते रहेंगे वैसे मैं करता रहूंगा। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर के देर रात तक रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्त राधे राधे जय गिरिराज महाराज के जयकारों के साथ गिरिराज जी की तरफ जाने की कामना कर रहे थे। माना जाता है कि कलयुग के देवता गिरिराज जी हर मनोकामना भक्तों की पूरी करते हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कहा जाता है कि कलयुग के प्रथम देवता गिरिराज पर्वत राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षात प्रमाण है। भक्ति की चकाचौंध से हमेशा गुलजार रहने वाला गोवर्धन परिक्रमा मार्ग रात में भी दिन होने का एहसास कराता है। अब गुरु पूर्णिमा पर आई है तो कैसा लग रहा है आपको? व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो किस प्रकार की व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था कैसी लगी? परेशानी तो देखो होती है, भीड़ को देख के रश है तो भीड़ भी है, लेकिन ये है कि भक्त है सब, उनकी शरण आए हैं तो रास्ता पूरी दिखाते हैं। उन्नाव में शहर के सिविल लाइन मोहल्ला स्थित श्री बालाजी हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा का महत्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से मंदिर पहुंचकर सैकड़ों भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर चरण पादुका पर फूल और माला चढ़ाकर पूजा अर्चना की। मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ सर्वप्रथम श्री बाला महाराज का भव्य श्रृंगार किया। आरती के बाद पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया। हवन संपन्न होने के बाद श्री बालाजी महाराज को भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ किया गया, जो शाम तक चल रहा है, और संध्या काल में पुनः आरती कर गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रमों का समापन हुआ। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस